Hello and welcome to our YouTube channel. I am Amar and you are watching Amar Sir's English classes. Students, in the previous episode we have read about present continuous tense, and in today's episode, we are going to start with present perfect tense. So, student, before start, I would like to appeal to all the new viewers and to those who have not yet subscribed to our channel. सो प्लीज़ इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू यू kindly subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to get the latest updates तो आज के इस अंक में हम पढ़ने वाले हैं प्रजेंट टेंस के बारे में तो पहले जान लेते हैं कुछ इसकी थ्योरी के बारे में प्रजेंट टेंस जो कि वर्तमान पूर्ण काल होता है मतलब इसमें प्रदर्शित जो भी कार्य है वह अभी पूर्ण हुआ है इट इज कंप्लीट इस काल की अगर पहचान की बात करें हिंदी वाक्यों में जिन वाक्यों में अंत में इन शब्दों का बोध होता हो जैसे चुका हूं या है ठीक चुकी या है या फिर चुके हैं चुके हैं या फिर हो तो देखिए हिंदी वाक्यों के अंत में जिन भी वाक्यों के अंत में यह शब्द हमें दिखाई दें वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं इसकी परिभाषा को देखें इसके मीनिंग को जाने तो इन इंग्लिश इट इज़ इट इज़ यूज फॉर समथिंग दैट स्टार्टेड इन द रीसेंट पास्ट एंड हैज़ बीन कम्प्लीटेड नाउ यानी अभी हाल ही में शुरू हुई गतिविधि शुरू हुआ कार्य जो अभी अभी पूर्ण हुआ है कंप्लीट हुआ है अब इसके इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस इसका प्रयोग होता है किन चीज़ों के लिए अभी हाल ही में हुई कोई भी कार्य है कोई भी कार्य जो अभी हाल ही में हुआ है उसे प्रदर्शित करने के लिए तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्टिविटीज़ फॉर एग्जाम्पल आई हैव जस्ट रिसीव्ड ए मैसेज तो यहाँ आप देख पा रहे हैं आई हैव जस्ट रिसीव्ड ए मैसेज मीन्स अभी हाल ही में मैंने एक मैसेज एक संदेश प्राप्त किया है टू डिस्क्राइब एन एक्शन वेयर टाइम इज नॉट गिवन ऐसे एक्शन को भी प्रदर्शित किया जाता है इसके माध्यम से जिसमें समय का उल्लेख ना हो जैसे इस उदाहरण में देखें आप दे हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली यानी कि वे लोग जो हैं वो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं अब वह दिल्ली के लिए किस समय निकले हैं इसका बोध हमें इसमें नहीं हो पा रहा है पास्ट इवेंट्स हुज इफेक्ट स्टिल एग्जिस्ट ऐसे इवेंट्स जो पास्ट में हुए थे अभी हाल ही में हुए थे लेकिन उनका प्रभाव अभी भी है जैसे आई हैव हैडे बैड एक्सीडेंट आई हैव हैडे बैड एक्सीडेंट यानी कि बुरा एक बुरा एक्सीडेंट हुआ है यानी कि ये जो प्रभाव है ये एक्सीडेंट तो आपका अभी कुछ समय पहले का है लेकिन इसका प्रभाव अभी भी है तो इसको भी इसके अंतर्गत हम कवर करते हैं टू तो डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स जो भी पास्ट इवेंट्स होते हैं उनको भी प्रदर्शित किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से जैसे ही हैज़ सीन द ताज एट आगरा ट्वाइस यानी कि उसने आगरा में स्थित ताज महल को दो बार देख चुका है अब इसमें प्रयुक्त होने वाले कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्राय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होते हैं जैसे येट जस्ट सो फार नेवर एवर ऑलरेडी सिंस जस्ट नाउ सेवरल टाइम्स ई टी सी इत्यादि तो इन शब्दों का उल्लेख जिन भी वाक्यों में नजर आए तो वो वाक्य प्राय जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं अब हम शुरू करते हैं इसके मुख्य संरचना पर जिसको हम स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं और हिंदी में हम जिन्हें सूत्र भी कहते हैं तो इसके स्ट्रक्चर की चर्चा करें तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब से संबंधित है तो हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो ऑक्सीलरी वर्ब है वो इसमें दो प्रकार की ऑक्सीलरी यूज होती हैं एक तो है हैज़ और दूसरी है हैव अब देखिए स्टूडेंट हैज़ जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए प्रयोग में ली जाती है अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम जान चुके हैं क्या क्या होते हैं ही शी एट एनी सिंगुलर नाउ एनी सिंगुलर noun तो इनके साथ तो हमें क्या प्रयोग करना है हैज़ का और हैव जो है वो प्रयोग में लिया जाएगा प्लूरल नाउन्स के साथ में प्लस क्या हम इसमें ऐड करेंगे फर्स्ट पर्सन आई वी सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन से हम लेंगे दे को और कोई भी प्लूरल नाउन के साथ तो अब यदि इन बातों का ख्याल हमने रख लिया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और कोई विशेष ऐसी कोई बात नहीं है जिसको हमें विशेष ध्यान देना हो तो इन दोनों के डिफरेंस को और इजी प्रिसाइस मैनर में समझना चाहें तो देखिए एच ए एस हैज़ तो ये जो एस यहाँ पर आ रहा है इसको आप यूं समझ लें कि ये सिंगुलर के लिए आता है और सिंगुलर क्या है वो हमने इसमें जान लिया है पर्सनस के माध्यम से तो अब इसके स्ट्रक्चर्स की यदि बात करें मुख्य क्रिया की बात करें तो मेन वर्ब जो भी इसमें आएगी स्टूडेंट्स वो केवल और केवल पास्ट पार्टिसिपल होगी और उसको अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि मेन वर्ब जो है वो होगी थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब विल बी विल बी इन थर्ड फॉर्म ठीक है तो मुख्य क्रिया जो है वो तीसरे रूप में होती है चाहे वो एफॉर्मेटिव सेंटेंस हो नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो आगे हम इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं किस प्रकार इसके स्ट्रक्चर्स फ्रेम होते हैं चलिए स्टूडेंट्स अब अपन जानेंगे इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में तो सबसे पहले एफर्मेटिव यानी सकारात्मक, उसके बाद नेगेटिव नकारात्मक वाक्य फिर इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक एंड इंट्रो नेगेटिव चलिए सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को यदि देखें तो सबसे पहले स्टूडेंट आता है क्या सब्जेक्ट उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब जो काम में ली जाती हैं वो होती हैं हैज या हैव मुख्य क्रिया जो होती है वो थर्ड फॉर्म में आती है और अंत में हम लेते हैं ऑब्जेक्ट इसी प्रकार नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव में यदि कोई क्वेश्चन वर्ड है तो वो अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फाइनली क्वेश्चन मार्क इसी प्रकार इंट्रो नेगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में सब्जेक्ट मुख्य क्रिया से पहले क्या लेंगे नॉट और मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क अब इन पे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं जिससे ये पॉइंट हमारा और क्लियर होता है तो सबसे पहले आप एग्जांपल देखें I have read a book. ठीक है कि मैं एक पुस्तक पढ़ चुका हूँ has eaten an ice cream. ठीक वह एक आइसक्रीम खा चुका है वे क्रिकेट खेल चुके हैं दे हैव प्लेड क्रिकेट अब दिए गए वाक्य जो कि सकारात्मक वाक्य है अब इनको हम नकारात्मक में बदलते हैं और सेम ही सेंटेंस ले रहा हूं ताकि आपको ये चीज ज्यादा क्लियर हो तो इसमें सबसे पहले अपन क्या लेंगे सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव मुख्य क्रिया से पहले अपन क्या ले लेंगे नॉट तो आई हैव नॉट रेड ए बुक आई हैव नॉट रेड ए बुक ही हैज नॉट ईटन ही हैज नॉट ईटन एन आइसक्रीम ठीक है जो एग्जाम्पल उसको देखते हैं इसको भी कैसे बनाएंगे दे हैव Not played cricket. इंट्रोगेटिव अब प्रश्नवाचक बनाए तो देखिए इन सेंटेंस को सबसे पहले क्या ले लेंगे हेल्पिंग वर्ड तो फर्स्ट वन हैव 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 आई 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 ए बुक एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क एज पर द स्ट्रक्चर सेकेंड वन

लोग क्रिकेट खेल चुके हैं इसी प्रकार प्रश्नवाचक नकारात्मक फर्स्ट वन हैव आई है बुक सेकेंड वन हैज आई सॉरी हैज ही नॉट टन एन आइसक्रीम इसी प्रकार लास्ट वन सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट तो यहां स्टूडेंट्स देखिए हमने इनके ऊपर स्ट्रक्चर्स के ऊपर एग्जाम्पल्स कुछ किए हैं जिनसे हमारी बातें जो है लगभग रिकॉल हो गई होंगी और एक बार फिर से देख लेते हैं देखिए जहाँ सिंगुलर की बात होती है वहाँ पे हम हैज़ का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर जो भी हैं उनके साथ जैसा कि हम अभी जान चुके हैं हैव जो होता है वो लूरल नाउंस के साथ में प्लस फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के साथ में आते हैं तो यही मेन चीज़ है जो हमें ध्यान देनी है और इन पर और पकड़ बनाने के लिए देखिए स्टूडेंट्स वर्ब फॉर्म्स आपके बड़े क्लियर होने चाहिए और इन फ्यूचर विल टेक ए टॉपिक ऑफ वर्ग्स आल्सो इन विच विल टॉक अबाउट दिस सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस आपको ये समझ में आया होगा और प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताएँ कि हमारे ये प्रयास जो भी हम कर रहे हैं ये आपको कहाँ तक पसंद आ रहे हैं जिस प्रकार की भी आपके ओपिनियंस हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और फिर मैं एक बार अपील करना चाहूँगा आप सभी से जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड विद डेट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस इन आर नेक्स्ट एपिसोड विल सी सम अदर टॉपिक टिल देन गुड बाय सी यू थैंक यू